Hey guys, what's up? Thanks for tuning back into the channel. So in this video, we are going to talk about the latest tech news. वैसे दोस्तों आज की tech news जो है वो काफी interesting होने वाली है, तो बिना time waste करे, let's get started. सबसे पहले न्यूज जो है वो हमें आती है एप्पल की तरफ से आईफोन एसई प्लस, जो कि आईफोन एसई 2020 का सक्सेसर होने वाला है। बताया जा रहा है कि इस फोन के डिजाइन में जो है काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट्स देखने को मिलेंगे। टिप्स्टर एप्पल लैब ने इस फोन के स्पेसिफिकेशंस एंड प्राइस को लीक किया है, जिससे ये पता चलता है कि ये फोन जो है लगभग 40,000 का होने वाला है। एंड स्पेसिफिकेशंस की अगर बात करें तो यहाँ पर जो है आपको 6.1 इंच की आईपीएस एलसीडी डिस्प्ले देखने को मिलेगी। ऊपर की तरफ जो है आपको एक नॉच होगी एंड नीचे की तरफ जो है फिजिकल होम बटन देखने को नहीं मिलेगा। इस फोन का डिजाइन जो है बिल्कुल आईफोन XR की तरह होने वाला है। बैक में जो है आपको सिंगल रियर कैमरा देखने को मिलेगा जो कि 12 मेगापिक्सल का होगा एंड फ्रंट में जो है आपको 7 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा। एंड लॉन्च डेट की अगर बात करें तो जैसे कि आप सबको पता है आईफोन एसई 2020 जो है वो पिछले साल अप्रैल के महीने में लॉन्च हुआ था, तो मैक्सिमम चांसेस ये है कि ये फोन जो है वो इसी साल अप्रैल के महीने में देखने को मिलेगा। सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग वाली बात ये है कि इस फोन के अंदर जो है आपको एप्पल का A14 बायोनिक चिप देखने को मिलेगा, जो कि काफी अच्छी बात है। और प्राइसिंग भी जो है यहाँ पर 40,000 की होगी, तो जो स्मार्टफोन्स 50,000 के नीचे होंगे उन फोन्स को ये स्मार्टफोन जो है काफी तगड़ा कॉम्पिटिशन देगा। और दोस्तों अगली न्यूज आती है सैमसंग की तरफ से। सैमसंग गैलेक्सी A52 4G एंड सैमसंग गैलेक्सी A72 4G की प्राइस जो है वो यूरोपियन मार्केट्स में लीक हो चुकी है। दोनों फोन जो है जर्मन प्राइस कंपैरिजन साइट पे स्पॉट हुए हैं, जिससे इस फोन की प्राइस जो है वो लीक हो चुकी है। सैमसंग गैलेक्सी A52 की प्राइस जो है वो लगभग 33,000 की होगी एंड सैमसंग गैलेक्सी A72 की प्राइस जो है वो 38,000 होने वाली है। ऑब्वियसली दोस्तों जब ये दोनों फोन्स इंडिया में अगर आएंगे तो इससे कम प्राइस पे लॉन्च होंगे। और दोस्तों इसी के साथ सैमसंग गैलेक्सी S10 सीरीज में जो है एंड्रॉइड 11 बेस्ड One UI 3.0 का अपडेट जो है वो रेज्यूम होने वाला है। ये अपडेट जो है इसी महीने फर्स्ट वीक में देखने को मिला था, लेकिन फोन को अपडेट करने के बाद जो है काफी ज्यादा बग्स दिख रहे थे, कैमरा में जो है ब्लर दिख रहा था और फोन भी जो है काफी ज्यादा हीट हो रहा था। इसी वजह से सैमसंग ने इस अपडेट को पॉज कर दिया था, लेकिन अभी कुछ लीक्स आए हैं जिससे ये पता चलता है कि सैमसंग इस अपडेट को रेज्यूम कर दिया है, क्योंकि ये अपडेट जो है वो बग फ्री होने वाला है। वैसे दोस्तों अगर आपके फोन में ये वाला अपडेट अवेलेबल है तो आप इसको डाउनलोड करके अपने फोन को अपडेट कर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों अगली न्यूज सैमसंग गैलेक्सी S8 सीरीज के लिए है। जो लोग सैमसंग गैलेक्सी S8 एंड सैमसंग गैलेक्सी S8 प्लस यूज कर रहे हैं उनके लिए एक अपडेट देखने को मिले, यानी कि सैमसंग गैलेक्सी S8 एंड S8 प्लस में जो है 2021 का जनवरी सिक्योरिटी पैच जो है वो अवेलेबल है। आप अपने फोन को अपग्रेड करके सिक्योर बना सकते हैं। और दोस्तों अगली न्यूज आती है पोको की तरफ से। पोको M3 जो है वो बहुत ही जल्द इंडिया में देखने को मिलेगा। कंपनी एक वीडियो को ऑफिशियली टीज करती है, जिससे ये पता चलता है कि ये फोन जो है वो बहुत ही जल्द इंडिया में देखने को मिलेगा, यानी कि अगले महीने फरवरी के महीने में जो है हमें इस फोन में जो है 6.53 इंच की फुल HD प्लस रेजोल्यूशन वाली डिस्प्ले देखने को मिलेगी, 6000 mAh की बैटरी होगी, बैक में जो है ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा। और वैसे दोस्तों बैक में जो कैमरा कटआउट है वो काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। एंड प्राइसिंग की अगर बात करें तो इसका जो बेस वेरियंट है 4GB रैम 64GB स्टोरेज वो लगभग 10,000 या 11,000 के आसपास होने वाला है। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है ये फोन कितना कमाल करेगा, कमेंट्स में जरूर बताना। वैसे दोस्तों अगली न्यूज आती है टिकटॉक की तरफ से। टिकटॉक जो है वो पिछले साल 29 जून को इंडिया में बैन हो गया था और लग रहा था कि ये ऐप जो है वो बहुत ही जल्द इंडिया में कमबैक करेगा, लेकिन अभी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि ये ऐप जो है वो इंडिया में परमानेंट बैन होने वाला है। गवर्नमेंट ने टिकटॉक से पूछा था कि वो यूजर्स का कौन सा डेटा कलेक्ट करती है और डेटा कलेक्ट करने के बाद इसको कैसे इस्तेमाल करती है, और जो रेस्पॉन्स टिकटॉक की तरफ से गवर्नमेंट को जो मिला वो अनसेटिस्फाई था, इसलिए गवर्नमेंट जो है वो टिकटॉक को परमानेंट बैन कर रही है। इसके चलते टिकटॉक की जो पेरेंट कंपनी है ByteDance, उसने अपने स्टाफ को इंटरनल मेमो लिखा और कहा कि वो इंडिया की टीम को जो है वो रिड्यूस करने वाली है, क्योंकि टिकटॉक जो है वो इंडिया में अभी अनऑपरेशनल है। और ByteDance को भी श्योर नहीं है कि टिकटॉक जो है वो इंडिया में कमबैक करेगा या नहीं। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है इंडियन गवर्नमेंट ने जो किया वो ठीक है या नहीं, कमेंट्स में जरूर बताना। और दोस्तों अगली न्यूज आती है OnePlus की तरफ से। OnePlus 9 की कुछ स्पेसिफिकेशंस एंड डिजाइन जो है वो लीक होती है एक इमेज के थ्रू। अगर आप इमेज पे ध्यान देंगे तो आपको दिखाई देगा कि ऊपर की तरफ जो है एक पंचोल सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा, बैक में जो है ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, और डिस्प्ले के ऊपर अगर आप ध्यान देंगे तो आपको दिखाई देगा कि ये जो डिस्प्ले है वो कर्व डिस्प्ले होने वाला है। वैसे दोस्तों OnePlus 9 जो है वो OnePlus 9 Pro के साथ इंडिया में लॉन्च होगा और उसके साथ जो है एक लाइटर वेरिएंट भी आएगा जो कि OnePlus 9 Lite के नाम से देखने को मिलेगा। That's it for the video. अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं हम अगले वीडियो में।